हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास एक सैंडविच की रेसिपी है जिसको हम लोग घर के बेसिक चीज़ों से बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक खीरा लिया, एक टमाटर लिया, एक प्याज लिया है। सारी चीज़ों को छोटा छोटा चॉप कर लेंगे एकदम ऐसे, और फिर इन सारी चीज़ों को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसमें एक हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, ये एकदम से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये एक कप के करीब फ्रेश मलाई लिया है मैंने। ये इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही क्रीमी और जूसी बनता है ये। इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और ये ब्रेड लिया है मैंने, तो ब्रेड के ऊपर ये जो इसका फिलिंग बनाया है हमने, इसमें इसे स्प्रेड कर देंगे अच्छे से चारों तरफ। और ये जो मलाई का थोड़ा सा ऐसे दूध वाला पार्ट है ना, उसको भी ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और ये चीज़ का स्लाइस लिया है, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड करें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ऐसे चीज़ डालेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। और बटर लगा के चारों तरफ से अच्छे से उलट पलट के सेक लेंगे, एकदम क्रिस्प बनता है ये। बहुत ही अलग तरह का सैंडविच है ये, ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पे। ये मैंने सैंडविच को सेक लिया है दोनों तरफ से, एकदम अच्छा सा गोल्डन हो जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसे नई नई रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।